हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का नाम दिया है द रेड बट ट्री। क्या नाम है? द रेड बट ट्री। इस चैप्टर में एक पेड़ की कहानी है। और कैसा पेड़ है वो? रेड। रेड का मतलब होता है लाल, बट का मतलब होता है कलियां। पेड़ की जो छोटी छोटी टहनियां होती है ना, कलियां, तो वो क्या है, उसकी रेड कलर की है। तो इस पे एक शानदार अच्छा सा बहुत सुंदर दिखने वाला पेड़ है। वैसे तो हम देखते हैं ज़्यादातर पेड़ की कलियाँ कैसी होती है, हरे कलर की होती है। और इस चैप्टर में जो पेड़ दिया सुंदर सा, वो कौन से कलर का है, मतलब कौन से कलर की कलियाँ उसकी? रेड कलर की। इसलिए इस पेड़ का नाम क्या है? रेड बट ट्री। तो हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। वंस अपॉन ए टाइम वेन किंग ब्रह्मदत्ता रूल्ड द सिटी ऑफ वाराणसी, ही हैड फोर प्रिंसेस। देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वेन, जब किंग ब्रह्मदत्ता, ब्रह्मदत्त राजा रूल्ड, शासन करते थे या राज करते थे द सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी, द सिटी ऑफ वाराणसी मतलब वाराणसी जगह पर। एक बार की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त का राज था, कहाँ था राज? वाराणसी शहर पर। वाराणसी शहर के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्ता। ही हैड फोर प्रिंसेस, और उनके क्या थे? चार राजकुमार भी थे। ब्रह्मदत्त राजा के जो पुत्र थे, लड़के होते हैं, राजा के जो लड़के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंस, राजकुमार। तो ब्रह्मदत्त के कितने राजकुमार थे? चार। द यंग प्रिंस हैड ग्रोन अप हियरिंग मैनी वंडरफुल स्टोरीज अबाउट ए ब्यूटिफुल ट्री नोन एज द रेड बट ट्री। देखो, द यंग प्रिंसेस, जो छोटे छोटे राजकुमार थे, हेड ग्रोन अप, वो बड़े हो रहे थे, जो राजकुमार है ना चार राजा के, वो क्या है? यंग प्रिंस। छोटे राजकुमार अभी ज़्यादा समझदार नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या यूज किया? यंग। तो जो छोटे राजकुमार थे, ग्रोन अप, बड़े हो रहे थे, हियरिंग, सुनकर, मेनी वंडरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज, कहानियाँ, वो कहानियाँ सुनकर बड़े हो रहे थे। अबाउट ए ब्यूटिफुल ट्री, एक सुंदर से पेड़ के बारे में, नोन एज, जिसको जाना जाता है द रेड बट ट्री, उस पेड़ को किस नाम से जाना जाता है? रेड बट ट्री। अब इस पे क्या कहा है कि राजा के जो राजकुमार थे, प्रिंस थे, वो कहानियाँ सुनकर बड़े हो रहे थे। किसकी कहानियाँ सुनकर? रेड बट ट्री की कहानियाँ सुनकर। और इस ट्री के लिए क्या कहा है? ब्यूटिफुल ट्री। कैसा ट्री है वो? ब्यूटीफुल, सुंदर सा पेड़ है रेड बट ट्री। उसकी कहानियाँ सुनकर वो बड़े हो रहे थे। दे हैड नेवर सीन द रेड बट ट्री। दे हैड नेवर सीन, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखा। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा द रेड बट ट्री, उस रेड बट पेड़ को, उस ट्री को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एंड विश, इसलिए, और विश मतलब इच्छा। तो उनकी इच्छा क्या थी? हमने किसी चीज को नहीं देखा, तो हमारी क्या इच्छा होती है कि हमें उसे देखना है। ऐसे उनके राजकुमारों के साथ भी था, उनकी क्या इच्छा थी? टू बी द फर्स्ट वन, कि वो पहले इंसान बने, टू सी इट, इसको देखने वाले। उनको कहानी में ऐसे सुनाया था कि अभी रेड बट ट्री को किसी ने नहीं देखा है, तो राजकुमारों की क्या विश थी कि वो उस ट्री को देखने वाले पहले इंसान बने। अब देखो, वन डे द एल्डेस्ट प्रिंस आस्क द किंग्स चार्योटियर टू टेक हिम डीप इनटू द फॉरेस्ट वेयर दिस ट्री ग्रू। अब देखो, वन डे, एक दिन, द एल्डेस्ट प्रिंस, सबसे बड़ा वाला राजकुमार, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। एक दिन सबसे बड़ा प्रिंस राजकुमार आस्क द किंग्स चार्योटियर, आस्क मतलब बोला,
चारुतीय क्या होता है? रथ चलाने वाला। पुराने जमाने में रथ चलते थे, तो रथ को चलाने वाला। तो एक दिन जो सबसे बड़ा राजकुमार था, उसने राजा का जो रथ चलाने वाला आदमी था उससे बोला, क्या बोला? टू टेक हिम, कि लेकर जाए उसे डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में आगे। राजकुमार ने क्या बोला उस चारुतीय से, कि मुझे जंगल में आगे लेके जाओ, डीप मतलब और आगे लेकर जाओ, वेयर जहाँ पर दिस ट्री, ये ट्री ग्रू उगा हुआ है। प्रिंस ने क्या बोला उसे, कि सारथी बोलेंगे इसको रथ चलाने वाले को, कि सारथी तुम मुझे जंगल में आगे लेके जाओ, कितनी आगे, जहाँ पे ये पेड़ उगा हुआ है, कौन सा ट्री, रेडवुड ट्री। इट वाज स्टिल अर्ली स्प्रिंग, क्या कहा, इट वाज स्टिल अर्ली स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से पहले का टाइम है, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है पहले, और स्प्रिंग एक सीजन है, सीजन मतलब मौसम है स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, पेड़ पौधों के नए पत्ते आने लगते हैं और फूल भी खिलने लगते हैं स्प्रिंग में, तो ये क्या मौसम है, स्प्रिंग का मौसम। तो ये राजकुमार जब जंगल में जा रहा था तो कौन सा मौसम था, स्प्रिंग से पहले का मौसम था, और स्प्रिंग में तो नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों के, और इससे पहले का मौसम मतलब पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो देखो इस टाइम पे स्प्रिंग का मौसम था, सॉरी स्प्रिंग से पहले का। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे वाज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, एज ए बेयर स्टम, एक टूट के जैसे। इसमें देखो जब राजा का जो लड़का प्रिंस है वो जंगल में गया तो कौन सी सीजन थी, स्प्रिंग से पहले की सीजन थी, और उस टाइम पे क्या था, ये जो रेडवुड ट्री है वो क्या था, बेयर स्टम, एकदम टूट के जैसा था। टूट होता है ना जिसके ऊपर ना तो पत्ते, सूखा सा पेड़, सूखा सा अगर कोई पेड़ होता है तो उसको हम स्टम्प बोलते हैं। तो क्या था वो पेड़, रेडवुड ट्री, एकदम टूट था, सूखा हुआ पेड़ था, और वुड लकड़ी का, लकड़ी का एकदम टूट था वो सूखा हुआ। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, लीव्स का मतलब होता है पत्ते, तो बिना पत्तों का पेड़ था वो, और बर्ड्स, और नई उसमें कलियां थी, बर्ड्स मतलब कलियां, ना तो उस पेड़ पे पत्ते थे ना ही कलियां थी, तो इसको क्या बोला है, स्टम्प, फूट के जैसा ही दिख रहा था वो। आगे देखो, द प्रिंस डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्रिंस को नहीं समझ आया, अंडरस्टैंड समझना, और डिड नॉट मतलब नहीं समझ आया, व्हाई इट वाज कॉल्ड, कि इसे क्यों बुलाते हैं, द रेडबर्ड ट्री। प्रिंस को ये नहीं समझ आया कि इस पेड़ को रेडबर्ड ट्री क्यों बुलाते हैं, लाल कलियों वाला पेड़ क्यों बुलाते हैं। एंड रिटर्न, और वापस आ गया टू द प्लेस, सॉरी पैलेस, टू द पैलेस का मतलब होता है महल में, उसे नहीं समझ में आया तो वो क्या हो गया, महल में वापस आ गया प्रिंस। समटाइम्स लेटर, लंबे समय बाद, इन स्प्रिंग, वसंत में, ये वसंत का मौसम होता है, तो लंबे समय बाद वसंत में, द नेक्स्ट सन, दूसरा बेटा, रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया, द किंग्स चारियोटियर, राजा के ड्राइवर से, दूसरे लड़के ने क्या की, राजा के ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, टू टेक हिम, कि उसको लेकर जाए, टू द रेडबर्ड ट्री, उस लाल कलियों वाले पेड़ के पास। दूसरे बच्चे ने भी क्या की, रिक्वेस्ट की, कि मुझे भी रेडबर्ड ट्री दिखा के लेके आओ, वो देखना है। द ट्री वाज कवर्ड, वो पेड़ कवर्ड ढका हुआ था, कवर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, पेड़ ढका हुआ था, विथ ब्राइट, ब्राइट मतलब शाइन करने वाली, ठीक है, ब्राइट का मतलब लेंगे शाइन करने वाली, चमकने वाली, रेड बर्ड्स, लाल कलर की कलियों से, वो पेड़ किससे ढका हुआ था, चमकने वाली लाल कलर की कलियों से ढका हुआ था। एंड लुक्ड, और दिख रहा था, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, जब वो लाल कलर की कलियों से ढका हुआ था तो वो पेड़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब आपको ये चैप्टर जहाँ तक पढ़ा दिया आपको, वहाँ तक पढ़ना है इसको अच्छे से।